नमस्कार, मैं अनामिका। बिहार की 25 खबरों में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब OMR सीट पर लेगी परीक्षा। अब OMR सीट के जरिए परीक्षा में बोर्ड के छात्रों को इसकी उत्तर पुस्तिका के लिए 500 रुपए और ऑब्जेक्टिव के लिए 100 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें इसके अलावा विद्यार्थियों को इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बिहार के शिक्षकों का किया जाएगा पदस्थापन। बिहार के प्राथमिक शिक्षकों को अब सरकारी प्राथमिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित टीचर एवं हेडमास्टर के पदस्थापन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें जारी निर्देश के अनुसार BA, BSc एवं प्रधानाध्यापक कोटि के पदस्थापन खुले काउंसलिंग के द्वारा किए जाएंगे। सेवानिवृत्त को पहली, दिव्यांग शिक्षक को दूसरी और महिला को तीसरी वरीयता दी जाएगी। बिहार बोर्ड ओलंपियाड आयोजित कर विद्यार्थियों को देगा पुरस्कार, जिसमें बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह कहा है कि राज्य में बोर्ड द्वारा ओलंपियाड का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय के लिए ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले विद्यार्थी को पुरस्कार दिया जाएगा। सुशील मोदी बोले, लालू है लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह। डिप्टी CM सुशील मोदी ने लालू को लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह बताते हुए उनके बारे में कहा है कि लालू चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। उन्हें पहले तो पार्टी में लोकतंत्र स्थापित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही बिहार के सभी समुदायों का भरोसा जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बिहार के सुखाड़ वाले इलाकों को दिए जाएंगे 3,000। बिहार राज्य के सभी सुखाड़ वाले पंचायतों में हरेक परिवार को 3,000 की राशि देने के लिए कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 900 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस विषय में 15 अक्टूबर तक के खेतों में 33% या उससे अधिक तक की क्षति के आधार पर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। बिहार STET के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी है। आवेदन करने के लिए संबंधित विषय से ग्रेजुएट और BEd की डिग्री होना अनिवार्य है। कुल 37,335 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें कक्षा 9 और 10 के लिए 25,270 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 12,065 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें अंग्रेजी के लिए 5,054, गणित के लिए 5,054, विज्ञान 5,054, सामाजिक विज्ञान 5,054, हिंदी 3,000, संस्कृत 1,054 और उर्दू को 1,000 पदों पर भर्ती किए जाएंगे। आवेदक को न्यूनतम 21 साल, महिला को अधिकतम 40 साल और पुरुषों को अधिकतम 37 साल की उम्र सीमा दिए गए हैं। बिहार के गांव बनेंगे मॉडल। बिहार कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है, जिसमें विभाग द्वारा 40 गांवों को जलवायु के अनुकूल कृषि के लिए मॉडल गांव के बनाए जाने के लिए मुहर भी लगाई गई है। इसमें इन गांवों को कृषि के अनुकूल मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है। अब CM नीतीश के बाद डिप्टी CM सुशील मोदी भी करेंगे इलेक्ट्रिक कार की सवारी, जिसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 6 साल की लीज पर उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए 22,500 रुपए का भुगतान किए जाएंगे। आने वाले दिनों में राज्य सरकार के सभी विभागों में करीब 150 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बता दें कि यह कार 11 लाख की है। यह 45 मिनट चार्ज करने पर 142 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है, जो कि प्रदूषण मुक्त है। झारखंड ने दिया जदयू को चुनावी चिन्ह, ट्रैक्टर चलाता किसान। झारखंड चुनाव आयोग ने जदयू के चुनावी चिन्ह को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद बिना चुनाव चिन्ह के ही जदयू ने चुनावी मैदान में दौड़ लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। अब जिसके बाद झारखंड में जदयू का चुनावी चिन्ह ट्रैक्टर चलाता किसान कर दिया गया है, जिसे लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष सालखंड ने कहा है कि चुनाव चिन्ह अच्छा है। कौन बनेगा करोड़पति 11 के पहले करोड़पति के गाँव में बना जश्न। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 11 में जहानाबाद के सनोज राज ने करोड़पति बन अपने गांव को एक प्रेरणा दी है, जिसके उपलक्ष्य में उनके गांव वालों ने मिलकर जश्न किया। साथ ही वहां के स्थानीय विधायक व राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने सनोज को बधाई देते हुए कहा है कि इसी तरह वे अपने लक्ष्य में सफल रहे। CBSE ने जारी की ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई। सेंट्रल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूल की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई कंटेंट के जरिए लागू कर दिया है, जिससे कि देश के हरेक वर्ग के छात्रों को शिक्षा का लाभ मिल सके। यह कक्षा 6 से 10 तक के लिए तैयार किया गया है, जिसे NCERT के सिलेबस के आधार पर अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स, साइंस तथा सोशल साइंस सब्जेक्ट ई कंटेंट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। बिहार के 18 जिले सूखा से प्रभावित।
बिहार के सूखा प्रभावित 18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचायतों को प्रत्येक परिवार को 3,000 की तत्काल सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। जिन जिलों को क्षतिपूर्ति के लिए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी उनमें पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, शेखपुरा, बांका, मुजफ्फरपुर, वैशाली और दरभंगा शामिल है। बिहार के सनोज राज की क्या है सच्चाई? एबीसी 11 के उम्मीदवार सनोज राज ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वो 7 से 8 साल पहले ही कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम देखते और उसमें खेलते भी थे। पार्टिसिपेट के लिए वो इसमें कोशिश भी कर रहे थे, जिसके बाद उनकी फाइनल कॉल आने के बाद उन्हें लगा कि दोस्त मजाक कर रहे हैं। मुंबई पहुंचने के बाद अमिताभ बच्चन से मिलते हुए बिल्कुल नर्वस हो गए थे, लेकिन अमिताभ ने उन्हें प्यार से संभाल लिया। जल जीवन हरियाली में खर्च होंगे 24,000 करोड़, जिसमें सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के साथ 12 विभागों में इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। इस कार्य को 3 साल के अंदर सार्वजनिक कुआं, आहर पोखर, चापाकल, नलकूप इत्यादि सहित 62,412 का निर्माण किया जाएगा। इसमें पशुपालन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शिक्षा विभाग द्वारा पौधारोपण इत्यादि भी शामिल है। पटना से दिल्ली के अब 2 फ्लाइट उड़ेगी एयरपोर्ट से। पटना एयरपोर्ट से नई एयरलाइंस दिल्ली पटना दिल्ली सेक्टर के बीच 27 अक्टूबर से एक साथ 2 उड़ान शुरू होने वाली है, जिसमें पहली फ्लाइट दिल्ली से पटना सुबह 8:20 पर उतरेगी। दूसरी एक अन्य फ्लाइट भी उसी दिन शाम में दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरकर रात 8:20 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। इधर एयर इंडिया फ्लाइट 415-416 को 16 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में राष्ट्रहित के लिए जरूरी है एनआरसी लागू होना। बिहार के सीमांचल जिलों खास कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में एनआरसी लागू करने की बात भाजपा सांसद गोपाल नारायण ने कही है, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों के विषय और राष्ट्रहित के मुद्दों पर उन्होंने विशेष चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग एनआरसी लागू करने का विरोध कर रहे हैं उन्हें इसकी वजह भी बतानी चाहिए। तेजस्वी ने फिर साधा जदयू और भाजपा पर निशाना। तेजस्वी यादव ने अपने आवास 1 पोलो रोड पर हो रही बैठक में हिस्सा लेने से ठीक पहले मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हिंदी दिवस के अवसर पर तेजस्वी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मराठा, गुजराती, कन्नर और अन्य भाषाओं के नाम पर भाजपा का लोगों को बांटकर शासन करना गलत है। संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर प्रेम रंजन पटेल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल ने संजय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें संगठन का काफी लंबा अनुभव है। संजय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पार्टी सशक्त होगी और नई ऊंचाइयों को छुएगी। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कार्य कर रहे जेई के मानदेय में इजाफा हुआ। जल संसाधन की ओर से कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों का मानदेय 9,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 9 नियुक्त जूनियर इंजीनियर को 27,000 जबकि 3 साल पुराने कर्मियों को 31,000 और जेई को 36,000 मिलेंगे। नवोदय विद्यालय समिति में 6ठी कक्षा में 2020-21 के लिए जल्द ही करें आवेदन। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर तक ही है। बता दें कि JNVST कक्षा 6 के लिए 1 जुलाई 2019 से ही ऑनलाइन आवेदन मौजूद थे, जिसके लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें परीक्षा के लिए छात्रों को खुद उपस्थित होना है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्मी दुनिया में पूरे किए 9 साल। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर अपने सफर और अनुभव को पब्लिक से साझा करते हुए कहा है कि कैसे 9 साल बीते ये पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है कि ये कल की बात हो। उन्होंने लिखा कि 9 साल पहले सितंबर 2010 में फिल्मी दुनिया में कदम रखी थी, लेकिन वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। BRC में अनु आनंद फुटबॉल में दानापुर को हराते हुए शीर्ष में पहुंचकर जीत हासिल की। गांधी मैदान के पूर्वी छोर पर आयोजित अनु आनंद पटना जिला सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग में BRC दानापुर मुकाबले में दानापुर यूनाइटेड FC को 5-0 से हराकर GAC 4 जीत के साथ 12 अंकों से जीतकर शीर्षक पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरे मुकाबले में राज मिल्क और 11 स्टार मोकामा के बीच अचानक हुई बारिश से मैदान गीला होने की वजह से खेल को रोकना पड़ा। नंदकिशोर यादव बोले भाजपा को ही बहुमत मिलने की उम्मीद। भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रचंड बहुमत से भाजपा की ही सरकार बनना तय है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी झारखंड से सटे कई राज्यों में झारखंड व्यापार को बढ़ाने का उपहार दिया है, जो दुनिया में वनांचल की नई पहचान देने वाला है।
एनडीए से मुकाबले के लिए रघुवंश प्रसाद का विपक्षी पार्टियों को सुझाव। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से उभरने के लिए और विधानसभा चुनाव में एनडीए को कांटे की टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक होकर आगामी चुनाव में लड़ने की हिदायत दी है। विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की प्रक्रिया हुई तेज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में बंटवारे की प्रक्रिया तेजी पर हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात भी की। लोकसभा के तर्ज के आधार पर घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।